मेरे से उसको आगे निकालना था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज से मैंने जो स्टार्टिंग थी ना, मैंने बिल्कुल डिफरेंट करनी थी, मगर सुबह अभी बज रहे 10। इस टाइम में मोड़ते हैं, इससे आधे पौने घंटे बाद मोड़ता हूँ। अब वो ना मुझे 9:30 उठाना शुरू कर दिया, जल्दी उठा दिया कि यार नींद भी पूरी नहीं है मेरी। नाश्ता वास्ता वैसे समझ नहीं आता क्या करें, बस ये उठाएंगे बिस्किट ले, ये मुझे अगर खाली पड़ा है। चलो एक है दूध खत्म हुआ है, वरना मैं कॉफी ही बना लेता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, oh baby. एक होता था बंदा गर्दन में एकदम से लगती है, हल्की सी गर्दन नहीं होगी एकदम मुझे लगी है। एक मतलब खुद ही तब के ना गर्दन के अंदर जो एक अटक सी आ जाती है ना। मुझे चीज समझ में नहीं है, इस घड़ी के अंदर ऑप्शन है कोड या पिन कोड लगाने का। घड़ी में कौन सी चीज होती है जो बंदा लीक हो जाए? चलो फोन पे समझ आता है, मेरी वीडियोस वगैरह होती हैं, ब्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं, बाकी तमाम कोई मैसेजेस जो होते हैं क्लाइंट्स के कुछ होते हैं, ताकि पता रहे बंदे करना क्या काम। इसके ऊपर क्या फायदा था कोड लगाने का, मतलब कि कंपनी ने कोड दिया है, वजह समझ भी नहीं है मुझे। अनलेस रेंटल किसी ऐसी पिक्चर्स पड़ी हुई है जो के समझ रहे हो, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रैक नहीं है जहाँ पर मुझे नींद आ जाए। ये वो वायर ऐसा ट्रैक है ऑफिस से घर जाने का, मुझे लगा शायद सिर्फ टाइमिंग की वजह से मुझे होता है। अब पता उस दिन में ईद वाले दिन आया, पता चला ये जो ऑफिस से घर जाना ट्रैक ना, सुबह शाम में फ्रेश हो जब भी आओ, नींद मुझे आती है इस ट्रैक के ऊपर, वापसी ट्रैक पर। 3-4 साल इतना मैं आया हूँ डेली के, मैं बोर हो गया इस ट्रैक में, मैं कहता हूँ कुछ चेंज करो। अब आप मुझे किसी और ट्रैक पे ले जाओ, डिफेंस ले जाओ, मैं यकीन से मानो ना 3-4 बजे घर आए गाड़ी लेके, काफी बिजी स्केड्यूल में भी कराएगा। नींद मुझे तक नहीं आती, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तक नहीं आती है, मगर व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ऑफिस टू घर बहुत टाइट वाली आ रही होती है, बस अल्लाह के नाम पे चला रहा हूँ गाड़ी। माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे से उसको आगे निकालना था। अस्सलाम वालेकुम, मट्टी तो नहीं उड़ा यार तू, कपड़े गंदे कर देता है। आज फुल टॉम क्रूज उसमें अपने, पुट्ठी ना उड़ा दियो तो मेरे ऊपर पे। आह मेरे बच्चे, कंटेंट ओए होए, कंटेंट अबे ओ, चलो अंदर। बाहर आ गया बात दरअसल कुछ ऐसी, नाक की रस्सी ना ये जरा ना लंबी करनी है, इसको ढीला करना है। बात सारी ये, जब छोटा था तब हमने लगाई थी, ये बड़ा एक्सपैंड हो रहा है, तो उस चक्कर में इसकी रस्सी टाइट हो रही है, तो उसकी रस्सी ढीली करनी है मैंने। 2 seconds later मैंने ना अभी अपने एक और एम्प्लॉय को बुलाया इसको पकड़ने के लिए। इसकी देख रहे हो ये जो रस्सी है, ये बहुत थोड़ी टाइट हो गई, इसका छर जहरे छोटा था लगवाया था, अब इसे रस्सी थोड़ी ढीली करनी है, अब ये करना है। अब मैं वही देख रहा हूँ यार, रस्सी देख रहा हूँ एवरीथिंग कैसे करें। शरीफ है, कहता कुछ भी नहीं, ना मारता ना कुछ है, बिल्कुल शरीफ बच्चा ही है। फिलहाल मेरे पास भी कोई रस्सी रस्सी मौजूद नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। अबे अपना काम कर, या तो जो रस्सी है ना इसको अभी ये लगे रहे हैं, तो या फिर इसी रस्सी को डाल देंगे। ये रस्सी जो बनती है बहुत मोटी है, अभी इसका मैं सोच रहा हूँ ये जो यारी रस्सी है ना जो नाक पे, इसको कट करूँ। ठीक है ये जो रस्सी इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ। ठीक है समझ गया, मतलब ये इसी रस्सी को नाक की रस्सी से ज्वाइन करके बना दूँ। समझ गया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ करूँ या मंगवा लूँ रस्सी। अब मुझे इतनी रस्सी जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास जानवर ही नहीं है, एक ही जानवर रह गया, और रस्सी आधी इतनी लंबी रस्सी है। अच्छा साई बंदा घर आए, पालक की चॉप्स है, चावल एंड सब बन कबाब, ऐसा दुबारा नहीं हो जाए फिर। ये सारे मैंने कल ही खत्म किए थे और आज और सारे आ गए, वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त तो खाएंगे इसको जरा यार, काफी दिन हो गए हैं नहीं खाया। मैं शायद दिस आउट टुडे, मजेदार, कभी कभार खाना तो मजेदार होती है।
तो यार अभी बजे है रात के 10:45 और मैं बीच में एक दो कामों से आया था डॉक्टर्स के पास, तो मैंने सो ब्लॉग आउट नहीं किया, हॉस्पिटल में ब्लॉगिंग करने की इजाजत नहीं होती, वो सब करवर कर आया था, थोड़ा सा इशू हुआ था। अभी फिलहाल मैं ब्लॉग पॉइंट कर रहा हूँ, ब्लॉग बनाना था मेरे बीच। सो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट, 1 मिनट में गिव अवे आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़।